देखो मेरा काम है पंजाब दे वास्ते अपनी लड़ाई लड़नी है, मैं पंजाब वास्ते लड़ाई लड़ूंगा। मैं सारे नाल विचार किए और सारे दे विचार से कि अगर अपने पंजाब का कोई भविख देखना है बनता तो हूँ समय आ गया कि आप बीजेपी नाल मर्ज करिए। मेरा काम है पंजाब दे वास्ते अपनी लड़ाई लड़नी है, मैं पंजाब वास्ते लड़ाई लड़ूंगा। मैं सारे नाल विचार किए और सारे दे विचार से कि अगर अपने पंजाब का कोई भविख देखना है बनता तो हूँ समय आ गया कि आप बीजेपी नाल मर्ज करिए। तो मैं उदों फिर लिख दिता सी प्राइम मिनिस्टर साहब नू, होम मिनिस्टर साहब नू, नड्डा साहब नू, सारे नू कि मैं जाया वा, ऑपरेशन कराया वा और उस बाद मैं जब आऊँगा तो फिर मैं थोड़े नाल संपर्क जोड़ के वो तो बाद असी थोड़े विच शामिल होवांगे। सारी पूरी संस्था जो साड़ी है जिन्हां दी विचारधारा इक्को ही है साढ़े वर्गी जो मैं अज गल कर रहा हूँ। वी आर ग्रेटफुल टू द प्राइम मिनिस्टर, टू द होम मिनिस्टर, टू द पार्टी प्रेजिडेंट, टू ऑल आर सीनियर कॉलीग्स हियर, नाउ दे आर कॉलीग्स ऑफ माइन, सीनियर मिनिस्टर्स हियर हु हैव टेकन दिस टाइम टू बी विद अस टुडे। सॉरी आई डिडंट मेंशन अ वेरी डियर कॉलीग ऑफ माइन सुनील जाखड़ जी, who's we have worked together for so many years now, and only regret is when he went he should have taken me along with him. जो एक लंबे कालखंड तक कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व करते रहे लेकिन उसके बावजूद भी वो देश को पार्टी से ऊपर समझते रहे, आज उनकी पार्टी का विलय भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है, यह भारतीय जनता पार्टी का ताकत बढ़ाएगा और आने वाले कल में पंजाब में शांति, सुरक्षा और विकास स्थापित हो सके, इसके लिए हम लोग मिलकर काम करेंगे। कैप्टन साहब और उसके जो टीम है भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना, मैं मानता हूं कि भारत का राजनीतिक इतिहास में ये एक बहुत बड़ी कड़ी है और ये बहुत बड़ी दिशा देने वाली आज एक यहाँ समारोह किया जा रहा है। जी, युवराज नरेंद्र सिंह जी को भी पार्टी की सदस्यता की पर्ची दी। एक तो बड़ी खुशी हुई बीजेपी को ज्वाइन करके और हम अच्छा ठीक दोनों पार्टीज अब तो हम एक ही पार्टी बन गए हैं और पंजाब के लिए काम करेंगे और मेरा ख्याल जब हम इतना मजबूत हो गए हैं तो अच्छा ही होगा पंजाब के लिए। मेरे को बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और मैं समझ रहा हूँ कि इसके साथ हम योगदान जो पंजाब के लिए अपने सूबे के, देखिए हम सूबे के सेंट्रिक सोच वाले हैं, हम पंजाब की सोच के साथ हैं, लेकिन भारतीय सोच भी, नेशनलिस्ट सोच भी जो है हमारे लीडर साहिबान की सिद्ध है, तो हम सोचते हैं कि इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करके इकोनॉमिक बेनिफिट जो पंजाब को ला सकते हैं, जो तब्दीली ला सकते हैं रोजगार के लिए, वो यहीं से आ सकती है। देख लिया हमने वहाँ स्टेट की तरफ से क्या उनके रिसोर्सेज हैं क्या नहीं है। जीएसटी अब अगले साल खत्म हो जाएगी तो आपके पास तो स्टेट के पास तो बजटरी रिसोर्स ही नहीं बचेगा कुछ।